Okay, everyone, so we'll be talking about stamen, microsporangium and pollen grains. This is NCERT line by line. So now here in this figure 2.A, you can see that there's a typical stamen and there's a 3D cut section of the anther. So this is the stamen, which has two parts, anther and filament, right? And this is the section, 3D cut section of an anther, where you can see these four sac-like structure in which we can see the pollen grains are there. Now, what is line of dehiscence and rest of the things, we'll just discuss, okay? So figure 2.A shows that two parts of typical stamen, the long and slender stalk called filament and the terminal generally bilobed structure called the anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. So, जो उसका proximal end है, वो नीचे thalamus से या तो जुड़ा होता है या petal से जुड़ा होता है. और आपने class 11 में पढ़ा होगा कि जब petal से androecium या stamen जुड़ा होता है, तो वो पूरे उसको हम तब हम few structure उसका बनाते हैं floral formula में, और उसको A और मतलब corolla से उसको हम fuse करके दिखाते हैं. ओके, सो द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. हर किसी में डिफरेंट होते हैं नंबर, और वो क्या फ्यूज्ड होंगे, नहीं होंगे, सेपरेट होंगे, या फिर उनकी लेंथ क्या होगी, वो सब डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज पे. इफ यू वर टू कलेक्ट द स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन साइज सीन इन नेचर. तो अगर आप उनको एक जगह रखें, अलग अलग स्पीशीज की लाएं, तो आपको हर एक चीज में उनकी डिफरेंस लगेगा, एंड दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग. केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड इलुसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स. सो अगर आप उनको ध्यान से देखें और डायग्राम बनाएंगे, तो आपको हर तरीके की शेप्स और उनके डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट, फ्यूज एंड वो अपने एक दूसरे से बंडल फॉर्म में है या नहीं है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा. A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो lobes हैं और उनके अंदर दो thecas या दो sac हैं, ठीक है? So that's why they are known as dithecous. And often the longitudinal groove, जो longitudinal groove होता है separating the theca, runs lengthwise along the separating the theca. Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther. ठीक है, अगर हम से ये transverse section उसका लें, cut करें, तो हमें कैसा दिखेगा? तो the bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section. जैसा हमें दिख रहा है ये long इस picture में, वैसा हमें इस picture में नहीं दिखेगा. बहुत ही different दिख रहा है. क्यों? The anther is four sided. यहाँ से हमें four sided उसका nature पता नहीं चल रहा, पर हम उसको cut करते हैं, तो हम उसको four sided nature पता चलता है. और ये tetragonal structure हमें दिखता है. Consisting of four microsporangia. तो ये जो चार sac हैं, उनको कहेंगे micro. इनके अंदर हैं micro sporangia located at the corners, two in each lobe. तो यहाँ पे दो हर lobe में हैं. The microsporangia develops further and becomes pollen sac. और ये जो microsporangia हैं, ये फिर pollen sac में convert करते हैं. They extend longitudinally all through the length of an anther. Like यहाँ ये पूरा एक sac है नीचे तक जा रहा है, और ये दे आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स. और पॉलन ग्रेन्स, यू नो, दे आर द कैरियर्स ऑफ द मेल गैमेट्स. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन. अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन. अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन का कट करें, तो जो एक पूरा एक सैक है, वो आपको दिख ही रहा है कि ऑलमोस्ट सर्कुलर लगता है. इट इज जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड द टेपिटम. ये जो उसके जो चार लेयर हैं, वो ये जो सैक है, ये चार लेयर से कवर्ड होता है, जो कि होते हैं एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट चलते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द टेपिटम. द आउटर थ्री वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन. और यहाँ जो आउटर लेयर है सबसे, ये डिहिसेंस में, मतलब कि जब ये बर्स्ट होते हैं, जब ये पोलन सैक जब खुलते हैं ताकि पॉलन ग्रेन्स निकल आए, तो उसको कहते हैं डिहिसेंस. और वहां पे एक लाइन ऑफ डिहिसेंस है जहां से कि पर्टिकुलर प्रोसेस टेक प्लेस होती है. तो ये आपको लाइन ऑफ डिहिसेंस दिख रही है, और यहाँ पे आपको लाइन ऑफ डिहिसेंस से पॉलन ग्रेन्स भी निकलते हुए दिख रहे हैं. ओके,
Now the outer three wall layers perform the function of protection. तो ये जो epidermis, endothelium और middle layers, ये सारी इनका काम है protection का. The innermost wall layer is the epidermis. और जो innermost layer है, वो बन जाता है आपका epidermis. It nourishes the developing pollen grains. और ये जो है इसका काम nourishment का है. तो एक question ये हो सकता है कि innermost layer कौन सी है, number of layers कितनी है, प्रोटेक्शन में लेयर कितनी इन्वॉल्व है. तो हम जनरली कहते हैं प्रोटेक्शन में तो आउटर मोस्ट लेयर ही होगी. नहीं, प्रोटेक्शन में आपकी तीन लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर. और इनर मोस्ट लेयर है आपकी टेपिटम, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है फॉर दी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस. एंड कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लियट. ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. इसके बारे में सोचिए और कमेंट में बताइए. व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. So when they're young hota hai to wo ek homogeneous cells ke form mein arrange hota hai. Ek jaisi cells hoti hain unki form mein arrange hota hai, wo ek tissue form karte hain, ise kehte hain hum sporogenous tissue, jo ki sac ko pura fill kar deti hai aur microsporangium ko fill kar deti hai. लेकिन अब हमें क्या प्रोसेस में जाना है, हमें जाना है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस में. तो वो कैसे होता है, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. एज द एंथर डेवलप्स, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स. ठीक है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राइड, क्या होना चाहिए. जब मियोटिक डिवीजन होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो हैप्लॉइड होगा. आप सोचिए और इसका आंसर कमेंट में डालिए. ये देखिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर वो आ जाए तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं विद मी. ओके, सो अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको. और कोई भी डायग्राम छोड़ना नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है. अगर इम्पोर्टेंट नहीं भी है और अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसको बना देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा. इनफैक्ट वो अप्रिशिएट किया जाता है इस ट्रेट को. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर, ये है एनलार्ज व्यू ऑफ एन वन माइक्रोस्पोरेंजियम. तो जो हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे थे, एक पॉलन सैक कह रहे थे, उसका ये डायग्राम है. वन सेकेंड, आई विल जस्ट शो इट टू यू. ये देखिए, तो ये आपका है, ये यहाँ पे जो मैंने अभी तीन चार लेयर्स की बात करी थी, तो चारों लेयर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. एपिडर्मिस ये है आउटर मोस्ट, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर्स, एंड देन ये आ गया टेपिटम, जो कि नरिशमेंट सेल्स हैं. और अंदर हैं आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल. वो क्या होते हैं वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और ये जो है, ये पूरा का पूरा व्यू है पॉलन ग्रेन्स जब डिहिसेंस हो जाती है, जब लाइन ऑफ डिहिसेंस बर्स्ट हो जाती है, क्रैक हो जाती है, तब फिर जो है कैसे दिखती है, कैसा दिखता है, ये कहाँ से बर्स्ट होती है, ये दिखाने के लिए आपको ये डायग्राम है. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is potential pollen or microspore mother cell. तो अब जब ये process sporogenous tissue microspore tetrad के लिए ready होती है, तो वो एक pollen, वो एक जो है, हर एक जो है cell, वो एक pollen या microspore mother cell होती है. The process of formation of microspores from a pollen mother cell. अब जब माइक्रोस्पोर हमें फॉर्म करना है एक पॉलन मदर सेल से, जिसे हम पीएमसी के नाम से भी कहते हैं, थ्रू मियोसिस, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ फोर सेल्स. ठीक है, ये चार सेल के क्लस्टर में होते हैं माइक्रोस्पोर्स, जिसे इसके लिए उसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं. As the anther matures and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. और जब ये anthers mature हो जाते हैं,
जब ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो जो इनमें नरिशमेंट है वो खत्म हो जाती है, और माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो टेट्राड के फॉर्म में जो थे वो चार अलग अलग रिलीज हो जाते हैं डिहाइड्रेट होने की वजह से, एंड दे फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, जो कि रिलीज होते हैं डिहेसेंस के दौरान थ्रू लाइन ऑफ डिहेसेंस। नाउ पॉलन ग्रेन क्या है? द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स अ मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन क्या होगा, उसे वो मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है, जो कि मेल गैमेट्स को कैरी करता है। इफ यू टच द ओपन्ड एंथर्स ऑफ हिबिस्किस, अगर आपने हिबिस्किस कभी देखा हो, ठीक है, जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं हिंदी में, एनी अदर फ्लावर या किसी भी फ्लावर को आप ले लें, यू वुड फाइंड यूजुअली डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स। अगर आप उसके आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को आप देखें जो जो हिबिस्कस में दिखता है, तो आपको पॉलन ग्रेन्स अपनी उंगलियों में आपको दिखेंगे। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ग्लास स्लाइड। या नाउ दिस इज वन प्रैक्टिकल ऑफ योर्स, जिसमें कि पॉलन जर्मिनेशन का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हम पॉलन ग्रेन को लेके उसको अगर हम ड्रॉप ऑफ वाटर में डालें और देखें तो हमें पॉलन तो दिख जाएंगे, अगर हम उस सुक्रोज डाल दें तो वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ग्लास लाइट एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, आपको क्लियरली उनके स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस। ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये ऑब्वियसली आपके थोड़े हाई एंड माइक्रोस्कोप से ली गई है, ऐसा नहीं दिखेगा ऑफकोर्स, ये इस तरीके का नहीं दिखेगा। हाँ, ये कुछ इस तरीके का ऐसा भी नहीं दिखेगा, इतना डिटेल्ड आपको चार सेल्स भी नहीं दिखेंगी, पर हाँ आपको राउंड सेल्स दिखेंगी जो कुछ इस टाइप की होंगी। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिख सकते हैं, इतने क्लियर नहीं दिखेंगे पर हाँ ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, ठीक है। ओके, वन सेकेंड एवरीबॉडी, वन सेकेंड। ओके, यू विल बी रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर साइज शेप्स एंड कलर्स डिजाइंस एटसेट्रा। अब अलग अलग फ्लावर्स का ट्राई आउट कर सकते हैं अपनी लैब में जाके। देन पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। ये जनरली स्फेरिकल होते हैं, जनरली नहीं तो इलोंगेटेड भी होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, बट जनरली इनका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है, 25 to 50 micrometers in diameter. इसके एक prominent two-layered wall होती है, जिसको हम कहते हैं जो एक hard होती है बाहर से और एक अंदर की तरफ soft की तरह soft होती है। Hard outer layer को हम कहते हैं exine, जो कि एक ऐसे compound से बनती है जो कि बहुत ज्यादा resistant organic material है, and that is known as sporopollenin. It can withstand high temperatures एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। तो इसीलिए कई बार माइक्रोफॉसिल्स में हमको पॉलन ग्रेन्स भी मिलते हैं बिकॉज ऑफ दी हाई दिस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन सो फार नोन। कोई ऐसा एंजाइम अभी तक हमें नहीं मिला है जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके और डिजनरेट कर दे। पॉलन ग्रेन्स एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। पॉलन ग्रेन के जो एक्साइन है उसमें एक प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं, मींस ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें जर्म पोर्स कहते हैं, वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। वहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है क्योंकि अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है तो पॉलन ट्यूब गाइस फॉर्म नहीं होगी, तो हमें वो अपर्चर्स की जरूरत है जिन्हें हम जर्म पोर्स कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। जस्ट आई सेड द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस। Now, what do you think the exine should be? Why do you think exine should be hard? Or what is the function of germ pore? Just now I discussed for the formation of pollen tube. The inner wall of the pollen grain is called intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. ये जो inner layer है, ये sporopollenin से नहीं बनी है, ये cellulose और pectin से बनी हुई है, ठीक है? जो ये जो inner layer है, ये डीजनरेट हो सकती है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए ये आउटर लेयर होती है एक्साइन की, जो कि स्पोरोपोलिनिन से फॉर्म होती है। ओके, नाउ इट इज अ थिन एंड कंटीन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है पॉलन ग्रेन का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है, दिस इज पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपको दिख रहा है टू सेल्स
okay, these are, one is vegetative cell and the other one is generative cell. ठीक है, the when the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. ठीक है, तो vegetative cell में जो ये बड़ा सा nucleus है, ये इस यहाँ पे cytoplasm भी बहुत abundant है, food reserve as in and irregularly shaped nucleus है. और ये जो जेनरेटिव सेल है, ये छोटा सा है, थोड़े से पोषण को लेता है. फ्लोरेसेंट साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, इट इज स्पिंडल शेप्ड, ये स्पिंडल शेप का होता है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो बहुत कंसंट्रेटेड अमाउंट में साइटोप्लाज्म इसके अराउंड होता है और इन ओवर इसका एक शेप ऑलमोस्ट फॉर्म्ड होता है, जैसे वो इरेगुलर है, ये स्पिंडल शेप का होता है. इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, pollen grains are shed at this two cell stage. ठीक है, usually इसी stage में pollen grains जो होते हैं वो shed होते हैं. ठीक है, लेकिन in the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes. और जो बाकी species हैं, कई species में तो ये इसी stage में निकल जाता है, dehiscence हो जाता है इस stage में, लेकिन बाकी species में the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes before the pollen grains shed. तो अब दो male gamete हैं और एक vegetative cell है, तो guys जिसमें अपना nucleus है, तो obviously कितने cell stage हो गया? Three celled stage हो गया. ठीक है, pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis. ये सारी disorders pollen grain form करती हैं. Okay, it may be mentioned that parthenium or caragras, आपको parthenium के बारे में पता होना चाहिए, questions आते हैं कि parthenium या caragras क्या है. तो ये बहुत खतरनाक alien species है जो हमारे इंडिया में आई थी और इसने जो native species थी उनको बहुत disturb किया. ठीक है, तो इसे caragras भी कहते हैं. That came to India as contaminant with imported wheat, has become the ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. जैसे कि मैंने बताया, pollen allergy से bronchitis, asthma जैसी problem हो सकती हैं. So pollen grains are rich in होते क्या हैं ये? They are rich in nutrients. It has become fashion in recent years to use pollen tablet as food supplements. कई लोग लेते हैं pollen tablets, not necessarily, it is not necessary, but कई लोग लेते हैं. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Okay, कई सारे western countries में इनके जो products हैं वो tablets या syrups के form में available हैं for the consumption. And pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. That means it is quite used by many of the people. But when once they are shed, the pollen grains have land on the stigma before they lose viability. अगर उन्हें अपनी viability नहीं lose करनी है, that means pollen grains का काम क्या है कि भाई वो male gamete को transfer करें, male gamete जो है female gamete के साथ fuse करे और seed formation हो. लेकिन अगर वो ये सब तभी होगा, इसकी possibility तभी होगी जब pollen grain जो है वो stigma पे land करेगा. How long do you think pollen grains retain viability? अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई कितनी दिनों तक उसकी viability रहती है? The period for which pollen grain remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. ये जो aspect है of viability, ये species to species depend करती है और not only ये species to species depend करती है but also depend करती है कि उस वक्त environment का climate, उस वक्त climate क्या है, उस वक्त कितना moisture है, कितना temperature है. In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release. And in some members of rosaceae, leguminaceae and solanaceae, they maintain viability for months. You may have heard of storing semen or sperm of many animals, including humans, to artificial insemination. आपने artificial insemination का नाम word सुना ही होगा, जिसमें कि हम जो semen है या sperms हैं different organisms के, वो store करते हैं for future uses. ठीक है, तो या बहुत ही unique breed है उसकी आप sperm जो है वो semen जो है वो store कर सकते हैं
तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये बहुत लो टेम्परेचर पे किया जाता है। तो वैसे ही वायबिलिटी को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इट्स पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन विच इज अराउंड -196 degrees Celsius एंड सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। सो हियर आई एम एंडिंग माय टुडेज लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, विल कंटिन्यू विद द सेम इन कमिंग लेक्चर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बाय।